ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वापस इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बजट जो है सरकार ने वो प्रस्तुत कर दिया है। एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा रकम का आवंटन अलग अलग विभागों को दिया गया है, और जहां सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है शिक्षा। शिक्षा को कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नंबर एक पर तकरीबन 17.6% कुल खर्चे का शिक्षा पर दिया गया है, 20,250 करोड़ रुपए से ज्यादा। उसके बाद अगर बात की जाए शासन प्रशासन और लोक प्रशासन की, तो 20,000 करोड़ से ज्यादा वहां पर दिया गया है। शहरी विकास क्षेत्र के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए भी अच्छा खासी रकम जो है वो दी गई है। इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि बजट का जो अंतिम प्रारूप था, जिस पर प्री बजट डिस्कशन चल रहा था कि हर वर्ग उम्मीद लगाकर बैठा है, बजट के बाद अब वो चर्चाएं और वो उम्मीदें किस दिशा में गई? क्या जो उम्मीदें थी वो मिली, पूरी हो पाई, या फिर कुछ और बात इसमें देखने को मिली है? चर्चा लगातार हम कर रहे थे इस विषय पर, और मुद्दा सबसे पहले कृषि का था, क्योंकि कृषि क्षेत्र को जो उम्मीदें थी वो उतनी नहीं खरी हो पाई हैं इस बजट के आधार पर जितनी खरी होनी चाहिए थी। हालांकि कुछ किसान कमेरे वर्ग ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा सरकार ने दिया है। सबसे पहले चलते हैं किसान नेता के पास ही। सर, जिस तरह से बात की जा रही थी कि किसानी को, कृषि क्षेत्र को जो आवंटन मिलना चाहिए, संतुष्टि लोगों ने जताई है कि उतना आवंटन मिला है, लेकिन जो मंडियों की बात करें, मार्केट फीस की कटौती की बात करें, उसको वापस लागू करने की बात जो कही जा रही थी, उस तरह की कोई घोषणा चीज नहीं देखने को मिली। देखिए, हरियाणा में ये ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। खास तौर पे मैं दक्षिणी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ अभी एमएसपी सरसों के एमएसपी 5200 रुपये है, और मार्केट में 6200 रुपये बिक रही है नमी की। जबकि अगर हम उसको मंडियों में ले जाएंगे तो 5200 रुपये लेंगे वो, और नमी भी काटेंगे वो, हमें सिर्फ 4 साढ़े 4 हज़ार मिलेगी, जिसका कि अब मार्केट में 6200 रुपये मिल रहा है। तो ये चीजें दक्षिण हरियाणा में ऐसा कोई वो नहीं था। और हरियाणा के अंदर तो एमएसपी पहले ही हर जगह से, कहीं बाजरे का रेट 1200 1300 रुपये होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1800 किया, उसके बाद 2000 किया। किस प्रदेश में बाजरे का ये रेट है? हमारे पड़ोस में राजस्थान है, और राजस्थान का बाजरा हमारे यहाँ बिकता था, उसको रोका भी है। लेकिन अगर उनकी एमएसपी सही होती और उनके जो है रेट सही होते तो हमारे यहाँ बाजरा क्यों बिकता? ऐसी हरियाणा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा के किसानों का। और जो कमी है थोड़ी बहुत, ये तो है नहीं कि जो है सर्वशक्तिमान है और सारी कमी एक बार पूरी हो जाएगी। 1600 करोड़ का जो नया बजट आया है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रावधान होगा और हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब 1 साल 2 साल से हम सारा प्रदेश भी और देश भी कोविड की वो झेल रहा है अचानक। और जो ये भाई कह रहे हैं कि कर्जा लेके कर रहे हैं, देखिए, किसी भाई के पास कार लेने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब तक उसको जब लोन मिल जाता है तो वो अपनी किस्तें तार देता है। किस्तें तार देता है क्योंकि उसके पास इनकम होती है। अब सरकार भी वही करती है कि लोन लेके और लोगों को सुविधाएं देंगी, किस्तें भी तो देंगी सरकार। बिल्कुल, समस्याएं होती हैं, लेकिन सरकार उन समस्याओं को किस तौर पर सुन रही है, इसी के बिहाफ पर देखा जाता है, इसी के आधार पर देखा जाता है कि सरकार की सजगता कितनी है। दो बिंदु हैं, उस पर बात करेंगे। तवर साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा, खालिद भाई भी हैं, उनसे भी जवाब लूंगा इस बात का। एक गुरुग्राम में चिंतल सोसाइटी वाला जो पूरा प्रकरण हुआ था, उसके बाद सरकार ने अब इस बजट में ये बात कही है कि रियल एस्टेट में इमारतों के लिए सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा, और हर बनती हुई इमारत के लिए यह जरूरी होगा। बिंदु नंबर एक। दूसरा बिंदु, जो डाडम पहाड़ के खिसकने के कारण घटना हुई थी, जिसमें कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके आधार पर सरकार ने कहा है कि स्टोन क्रशिंग प्लांट जितने भी हैं उसमें सीसीटीवी की फुटेज जो है वो कंपलसरी की जाएगी। यहां पर निष्कर्ष अगर इन जो दो बिंदुओं से निकालें तवर साहब, तो इतना निकल कर आ रहा है कि जो परेशानियां हैं, परेशानियां सबके कार्यकाल में आती है, किसी सरकार को वरदान प्राप्त नहीं है कि उनकी उनके आगे कोई चुनौती नहीं आएंगी, लेकिन सजगता है, समस्या को लेकर समाधान की अप्रोच है। देखिए, जिस प्रकार से चिंतल सोसाइटी का विषय हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। आपसे पहले अभी चर्चा ये भी चल रही थी कि वहाँ पे वो जगहें रेजिडेंशियल उसके लिए ठीक नहीं थी। कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पे रेजिडेंशियल जोन बनाया। इसके साथ साथ एनबीसीसी की भी चर्चा आई, और एनबीसीसी तो सरकारी उपक्रम है, उसमें भी ये हाल है। तो कहने का भाव ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी। तवर साहब, मेरा सवाल दूसरी दिशा में है। समस्या आती है, सभी सरकारों के सामने आती है, चुनौतियां आपके सामने भी रही, कांग्रेस के सामने भी रही, अब भी चुनौतियां हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस सरकार की है, सवाल ये है ना। देखिए, सब अपना अपना, जो भी सरकारें हैं अपने समय में बेहतर प्रबंधन देने की प्रयास करते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, तो इसमें अप्रोच सबकी ठीक होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा अभी दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, ये तो आपको दिख रहा है कि गुड़गांव के बारे में जो अभी चर्चा चल रही थी, क्या हो रहा है? नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। गुलिया साहब, देखिए, मैं आदरणीय चौटाला साहब की एक बात दोहराना चाहूंगा।
कि आदमी अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है, ये हादसे हुए, सरकार ने फौरन ये बिंदु आपने अभी पढ़ करके बताए कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे स्टोन क्रेशर जोन के अंदर होने चाहिए, सबकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अतीत से सीखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं, तो आप होना तो ये चाहिए, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अगर अब कोई हादसा हो गया है तो भविष्य में ऐसे हादसे ना हो उसको लेकर के कानून बनने चाहिए, उसको लेकर के सख्ताई से नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए, वो सरकार कर रही है। देखिए 100% हो गया या 100% सब कुछ ठीक हरियाणा प्रदेश के अंदर है यह दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हरियाणा ऑन फास्ट ट्रैक, हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसमें जो कमियां रह गई हैं उनको और आगे दुरुस्त करने का काम करेंगे और बेहतर ढंग से। ये दुष्यंत जी की सोच है कि देखिए लॉन्ग टर्म एक सोच है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए 75% का कानून आया, अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनको विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं ताकि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आए। लोग तो ये दावा करते थे कि मारुति हरियाणा प्रदेश को छोड़ के जा रही है, मारुति ने स्वयं आके करके कहा कि हम लोग खरखोदा में एक प्लांट लगाएंगे जिसमें 20,000 नौकरियां निकलेंगी। अगर 75% के हिसाब से भी मैं देखूं तो 20,000 15,000 हरियाणा के युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिलेगा, 15,000 बच्चों को खरखोदा के आसपास, वो हमारे भाई हैं हमारे, और पूरे प्रदेश भर में 200 रोजगार मेले लगाने की बात भी कही गई है। ठीक है, मैं रचित जी आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है सरकार का, एक बिंदु इसमें यह भी आता है कि जिला परिषद जो है वो अब जितनी भी लिंक सड़कें हैं उनका रखरखाव वो करेगी, तो माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो दो बिंदु भी इसके अंदर आते हैं और ये पॉइंट जो मैंने उसके अंदर बताया इसको भी अगर इंक्लूड करके देखे तो, यानी कि पूरा प्रशासनिक अमले की लापरवाही के कारण सरकार की जो थूतू हो जाती है या सरकार की जो आलोचना हो जाती है उस गैप को भी भरने का काम ऐसा लग रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार करने जा रही है। देखिए गुलिया साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही, सबसे पहली बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको प्रिवेंटिव होना चाहिए, हर हाल में प्रिवेंटिव होना चाहिए कि कोई दिक्कत ना आए। पर एक बात में गुलिया साहब की बात में और ऐड कर रहा हूं, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर द प्रॉब्लम, अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है तो असल समस्या आप है। सरकार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स को दूर करने की तरफ बढ़ रही है, माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू ब्यूरोक्रेसी के साथ कदम ताल करके धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जितना समय इस प्रोसेस में लगता है वो लगेगा। हम ओवर एक्साइटेड होकर कह दें कि ये एक साल में हो जाएगा, दो साल में हो जाएगा, माइक्रो मैनेजमेंट कहना अपने आप में बहुत आसान है, पर उसको धरातल पे लागू करना एंड विद अ सर्टेन लैप्स ऑफ टाइम और कंसिस्टेंटली उसको लागू करना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें खुशी की बात क्या है, इसमें उत्साहित होने की बात यह है कि अगर सरकार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, एक समस्या आई वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए, उन्होंने उसके लिए एक पॉलिसी निकाली, सरकार ने कहा कि हमें क्रशर्स के अंदर सीसीटीवी कैमरास चाहिए, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, ये स्वागत होना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाली बात आती है। खालिद भाई मैं आपके पास आता हूं इन्हीं सवालों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि मुझे ध्यान है हम लंबी चौड़ी डिबेट्स करते थे दिन भर जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तोशाम वाला, डाडम पहाड़ वाला, अब ये दो बिंदु मैंने गिनवाए हैं, हालांकि बजट आवंटन को लेकर किसकी राशि कितनी है उस पर चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये छोटे छोटे माइन्यूट बिंदु हैं क्योंकि आप विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो जो बिंदुओं आप गिनवाते थे उन्हीं बिंदुओं को मैं यहां लिखकर लाया हूं। अब आप बताइए क्या इस बात का स्वागत एक विपक्षी पार्टी परिपक्व पार्टी होने के नाते क्या आप करेंगे, या आप भी इसमें कुछ आलोचनाओं की गुजर बसर रहती है, अगर रहती है तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। हेलो आवाज आ रही है जी, सुन पा रहे हैं खालिद भाई, बोलिए। हेलो खालिद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है अब तक? आपकी आवाज मिल पा रही है हमें? अपनी बात रखिए आप। मैं कहने चाह रहा था कि देखो ये जो सरकार और सरकार से जुड़े लोग हैं वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता धर्म निभा रहे हैं। मैं आपको पिछले बजट का और इस बजट का एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले बजट में ये कहा गया था कि गुड़गांव में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक फिल्म सिटी बनेगी, जरा सा वो पत्थर बता दीजिए गुड़गांव में कहां लगा है। आप ये बता दीजिए कि सोनवा में 1400 एकड़ भूमि पर एक औद्योगिक मॉडल टाउन स्थापित होगी, जरा सा वो बता दीजिए कि वो कहां पे बनी है। उसे ये कहा गया था कि 7,000 रोजगार वहां उपलब्ध कराए जाएंगे, अब जरा सा ये बता दीजिए कि 7,000 रोजगार कहां पे हैं। तो ये हेलो, यानी कि आपका ये कहना है कि जो बातें कही जा रही हैं वो केवल कागजी बातें हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ ब्रदर,
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने बजट पेश कर दिया, आंकड़े पेश कर दिए, आंकड़े माँ को उलझाने के लिए है। आप पिछले बजट का इस बजट को आपस में मिला के देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि जो पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी वो कहीं गुम हो गई है। मैं पहले इतना स्पष्ट कर लेता हूं खालिद भाई, मैं पहले इतना स्पष्ट कर देता हूं, चौधरी साहब कह रहे हैं आंकड़े उलझाने के लिए। देखिए जब भी जो भी ये इंडियन वो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की बात कर रहे हैं वो झज्जर में उस पर युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। ये गुड़गांव के अंदर जो इन्होंने काले पत्थर गाड़े थे, जो इन्होंने काले पत्थर गाड़े थे और वो जमीन HSIDC ने एक्वायर करके और 15 साल से पड़ी है, उस पे हम ग्लोबल स्मार्ट सिटी बना के उसमें 15,000 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हेलीपैड का काम चल रहा है युद्ध स्तर पे, यहाँ पे हम ISBT लेके आ रहे हैं, हम जो रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम है हम उसको उधर बहरोड तक जा रहा है तो इधर करनाल पानीपत तक भी उसको ले जा रहे हैं। तो ये सब जब विकास कार्य चलेगा, जब पहिया चलेगा तो विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेंगे, रोजगार सृजन हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं दिख नहीं रहे, अब आपको दिखे, आपको दिखता ही नहीं है कुछ भी, आपको तो ये भी नहीं दिखता कि भारत महाशक्ति बन गया है, आपको तो ये भी नहीं दिखता कि किस प्रकार से आज भारत का गौरव बढ़ रहा है विदेशों में, किस प्रकार विदेशी भी भारत से मदद मांगते हैं, किस प्रकार कोविड की दवाई हमसे मांगते हैं। खालिद भाई ये विपक्षी चश्मा ही ऐसा होता है क्या कि जो पहन लेता है उसको केवल एक ही लेंस से दिखता है, दूसरे से दिखना ही बंद हो जाता है। जी, बहुत सीधा सवाल था, सीधा जवाब उसका नहीं मिला। मैंने कहा था कि आपने कहा था कि हम एक गुड़गांव में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे, उसका पत्थर बता दिए कहाँ लगा है। आपने कहा था कि सोना में 14 एकड़ गुड़गांव के अंदर खेड़की माजरा एक गांव का नाम है, अगर आपने सुना हो तो मैंने बता दिया है, गुड़गांव में खेड़की माजरा है, वहां पे शीतला मेडिकल कॉलेज के नाम से शिलान्यास हो चुका है, उसमें नगर निगम गुरुग्राम की भी 50% भागीदारी है, शीतला श्राइन बोर्ड की भी 50% भागीदारी है और उसका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, आप खेड़की माजरा गांव में जाके देख सकते हैं। रही बात फिल्म सिटी बनाने की, तो हम जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी बना रहे हैं पंचकूला में भी फिल्म सिटी बनेगी और इसका उदाहरण आप जाके देख सकते हैं कि जेवर में भी, वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां पे जेवर के अंदर फिल्म सिटी का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, वहां पे PCS अफसर ऐसे काम करा रहा है फिल्म सिटी का जैसे वो अपना प्राइवेट मकान बना रहा हो। तो जब भाजपा की सरकार वहां पे फिल्म सिटी बना रही तो हरियाणा में भी कथनी और करनी में अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने बताया खालिद भाई खेड़की माजरा गांव बताया, उन्होंने स्पेसिफाई भी किया है शीतला मेडिकल कॉलेज के नाम से। अब अगला सवाल पूछिए आप। नहीं, मैंने कहा कि आपने ये भी कहा था कि थाना में 14 एकड़ भूमि पर औद्योगिक संस्थान स्थापित हो, कहां पे है वो जरा पत्र बता दीजिए। नहीं, अब आप इन्होंने एक गिनवाया, अब आप दूसरा गिनवा रहे हैं, ये दूसरा गिनवाएंगे तो फिर आप तीसरा भी तैयार रखिएगा, फिर मैं सवाल आपसे वही पूछूंगा जो सबसे पहले मैंने पूछा। इसके अलावा 500 बेड का ESI हॉस्पिटल, जो वो पूछ रहे हैं खालिद भाई आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं इनसे? मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कि सोना में 14 एकड़ भूमि पर सोना के अंदर 14 एकड़ भूमि पर आप एक औद्योगिक मॉडल टाउन स्थापित करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल आप रोजगार देंगे। खालिद जी आपने गलत सुना है, मैं कह रहा हूँ कि झज्जर के अंदर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप चल रही है और जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी है गुरुग्राम के 5 गांव की जमीन अधिग्रहण हुई थी, हरसरू गढ़ी गाड़ोली नरसिंहपुर और मोहम्मदपुर, वो पटौदी रोड पे है, वहाँ पे ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, उसी के पास हेलीपैड बन रहा है, उसी के पास ISBT बन रहा है। जी ठीक है, जल्दी से रखिए अपनी बात, आगे बढ़ रहा है खालिद भाई। बजट में जो होता है कि बजट में कहा जाता है कि सोना में 1400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया जा रहा है, ये टाउनशिप CMD के निकट होगा। जरा बताइए सोना में पत्थर कहाँ लगा है, आप ये बता दिए सोना IMT में 7,083 करोड़ रुपए में निवेश करके 7,000 रोजगार विकसित वर्जित किए जाएंगे, और जरा बता दीजिए 7,000 रोजगार कहाँ है। तो ये आंकड़ों का जो खेल है आप इसको प्रदेश के लोगों ठीक है, अब मैं फटाफट सोना में जो अलवर मार्ग पर रोज का मे में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, वहाँ के वहाँ पे आप जाके देखेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी BCO कंपनी चल रही है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ पे सोना भी, सोना शुद्धिकरण का भी काम चलता है, उसकी भी कंपनी है, और मारुति और बावल इंडस्ट्रियल एरिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही एनसिलरी इंडस्ट्रीज वहाँ पे चल रही है, आप जाइए मेरे साथ। खालिद भाई अब देखिए, अब तो चश्मे को ठीक करने वाली बात है, अब चश्मे को ठीक करने वाली बात है, मैं गुलिया साहब से भी ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा वो भी स्पेसिफाई कर देंगे। हाँ एक सेकंड गुलिया साहब, बोलिए बोलिए, रखिए अपनी बात जल्दी से। केशव जी जिस रोजगार इंडस्ट्री की बात करते हैं वो हरियाणा के बहुत समय से वहां चल रहा है, वहां पे IMT का एक पत्थर हमने लगाया था, IMT ने जमीन हमने की थी रोजगार से 10 आगे, उसमें एक पत्थर आपने लगाया है, उसमें एक कंपनी का आपने अभी तक पत्थर भी नहीं लगाया, रोजगार हमने लगाया था IMT सोना जो हमने विकसित किया है रोजगार से 10 आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे, वो हमारा लगा हुआ है, उसमें आपने क्या किया करते वो बता दीजिए ना।
ठीक है गुलिया साहब, गुलिया साहब, गुलिया साहब, मैं पूछता हूँ खालिद भाई, मैं पूछता हूँ सुनिए, मैं पूछता हूँ, एक वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, जरा इसको बोलिए आपको। ये कह रहे हमारा बना हुआ, अरे आपको क्या पाकिस्तान के लोगों ने सुना था, आपको हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सुना था, अगर काम किया आपने, नहीं आपने काम किया, आपको काम करने के लिए लोगों ने चुना, अगर आज हमें चुन करके भेजा है तो लोगों ने काम करने के लिए भेजा है, हम काम करेंगे। देख दूसरी चीज, कोरोना में चीजें हमारे कोई व्यक्तिगत काम भी थे, अगर मेरा व्यक्तिगत घर भी बन रहा था वो भी रुका, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, अपितु ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे विश्व के स्तर पे एक बंदी आ गई थी, हम लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, तो काम डिले हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सरकार की मंशा पे, आप तो ये कहते हैं नहीं करेंगे, मैं कहता हूं आप लोग राजनीति छोड़ के भविष्य देखने का काम कर ले, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं जी रहे, आप करें, हमें पता है सरकार नहीं करेगी, आज सरकार ने जो किया है, 500 स्कूल आएंगे, हरियाणा प्रदेश के बच्चे पढ़ेंगे, ये जो डेवलपमेंट की बात करें, 200 रोजगार मेले लगेंगे, किसके बच्चे लगेंगे, हरियाणा प्रदेश के बच्चे लगेंगे। आज ये कहते हैं घोटाला, रेवेन्यू में बढ़ोतरी है, हरियाणा प्रदेश की सरकार को कमाई हो रही है, और कह रहे जहां भी कुछ भी गड़बड़ी लगती है, ये सीआरपीसी आईपीसी किस लिए होते हैं, कि कोई अगर गड़बड़ी करे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, तो ये देख सरकार को जहां गड़बड़ी लगी सरकार ने कार्रवाई, स्वयं कार्रवाई के आदेश दिए जहां गड़बड़ी लगी। देखिए सुशासन सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार उसके लिए प्रयासरत है, प्रयासरत है, ठीक है। मैं अगले बिंदु पर बात करता हूं, अगले बिंदु पर मैं बात करूंगा, अगला बिंदु शिक्षा का आता है। हम सुबह बात कर रहे थे इसी पहलू के ऊपर कि हम में से कितने लोगों के परिवारों के बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते होंगे, एक भी नहीं था हम में से, लेकिन उसी शिक्षा को सबसे ज्यादा राशि जो है वो आवंटित की गई है। इसके अलावा 10वीं 12वीं के बच्चों को लैपटॉप देने की बात की गई है और इसके साथ साथ स्मार्ट क्लासेस बनाने की बात भी की गई है, इस बिंदु को कैसे देखते हैं? इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि 20,250 करोड़ रुपए इस बार सबसे बड़ा अमाउंट, एक स्मार्ट अमाउंट दिया गया है, परंतु ये कितना ठीक हो पाएगा? अभी जिस प्रकार से गुलिया जी कह रहे थे कि हम आगामी समय में विद्यालय खोलेंगे, अरे भैया पहले जो खंडर पढ़ रहे हैं उनको तो ठीक कर लीजिए आप, ये एक बड़ा सबसे चिंता का विषय है। दूसरा, बच्चों की कितनी सुख सुविधाएं उसमें दी जा रही हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो पैसा है उसका सदुपयोग होगा, हर साल की तरह जैसे भाषणबाजी में या फिर ये कह दिया जाए कि जब भी बजट पेश होता है उस दौरान ये लोग कमिटमेंट करते हैं, वो कितने खरे उतर पाते हैं। प्रदीप जी अभी बोल रहे थे हमने ये कर दिया वो कर दिया, खालिद जी ने कहा, मैं उनकी बात से इस बात से एग्री हूं कि वास्तव में फिल्म सिटी या फिर कई ऐसी योजनाएं जिस पर बजट काफी दिया गया उस पर कार्य नहीं हुआ। मैंने मेट्रो का भी जिक्र किया, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। यहां पर ये तो कहने वाली बात है कि हाँ मैंने बोल दिया और आप उसको करिए, ठीक है आप सत्ताधारी पार्टी के व्यक्ति हैं तो आपको उस पर लोगों को गुमराह नहीं करना है, आपको सच्चाई से अवगत कराना है। ठीक है आप उस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने नेताओं से डरे हुए हैं या फिर हम बोल दें ऐसा कुछ कि कल हम ही पार्टी से हमारे ऊपर दबाव बन जाए। नहीं, हमें अगर सत्य पर चलना है, अगर महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं पर चलना है, तो आपको सत्यता के साथ में और समाज के साथ में या फिर अपने नागरिक के साथ में रहना पड़ेगा। भले सक सरकार ने जो बजट पेश किया है बैलेंसिंग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कुछ अच्छा होने की संभावना है, ऐसा हम कह सकते हैं, कुछ अच्छा होने की संभावना है। खालिद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं इसे सवाल को लेकर, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, कुछ अच्छा होने की संभावना है और आगे जो चीजें हैं वो भी थोड़ी ठीक ठाक सी होती हुई दिखाई दे रही है राशियों के आवंटन में, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको ये रहता है कि भाई अपनी सरकार के बारे में बताएं, तो विपक्षी पार्टियों को भी रहता है कि उसकी बात ना माने। जवाब संतोषजनक नहीं थे। आप रोज का आईएमटी को जो हरियाणा को हरियाणा में बहुत समय से चल रही है, आप उसको ये कहते हैं सरकार ने बनाया, फिल्म सिटी कहाँ बन रहा है गुड़गांव में आपने ये नहीं बताया, आपने 7,000 रोजगार आईएमटी कोना में कहाँ दिए वो आपने नहीं बताया, इस तरह से आपका नया बजट है। आप आंकड़ों में उलझाकर आप ये जो पिछले आपने एक साल पुराना बजट और दोनों बजट को मिला लीजिए, सरकार के लोगों को जवाब मिल जाएगा कि आपने पीछे क्या कहा था। आपने पीछे भी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट आपने दिया था, लेकिन आप उस पर क्या हुआ, कहां तक हुआ? आप जब आप सवाल करने लगते हैं तो आप कह देते हैं हम तो कोरोना से सुलझ जाए, अभी हम सरकार से ठीक से नहीं हो पाई। कोरोना काल में आपको घोटाले करने की फुर्सत थी, लेकिन आपने जो बजट में खाली जी, मैं एक एक, एक, एक फाइनल कमेंट मैं सबसे ले रहा हूँ, वाइंडिंग स्टेटमेंट है, एक एक फाइनल कमेंट मैं सबसे ले रहा हूँ, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ सर, फाइनल कमेंट। देखिए सरकार को अभी बहुत अच्छा करने की जरूरत है,
और खासकर गुरुग्राम के लिए तो मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, गुरुग्राम की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर और बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे अब आप रोड की बात कर लें या फिर और MCG की बात कर लें, बहुत ही काम करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। गुलिया साहब, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है, सरकार की तरफ से प्रयास किया गया, लोगों की तरफ से सुझाव आए, उनको ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। अगर फिर भी लोगों को कोई आशंकाएं हैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को, क्योंकि उनके द्वारा सरकार चुनी गई है और उनके लिए सरकार चुनी गई है, तो सुझाव फिर भी आमंत्रित है, मुख्यमंत्री महोदय ने, दुष्यंत जी ने स्वयं सामने आकर के बात कही, अगर फिर भी हरियाणा प्रदेश के लोग कुछ बदलाव चाहते हैं तो सरकार इसके लिए एडमिट नहीं है, बदलाव होने चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है। जैन साहब, अच्छा बजट है, संतुलित बजट है, इसमें प्रावधान सब क्षेत्रों के अंदर किए गए हैं, उम्मीद करते हैं सब पूरे होंगे, और जैसे अभी खालिद भाई ने कहा था पिछले साल के नहीं हुए, पिछले साल में कुछ रुकावटें भी आई थी, जैसे कोरोना की आ गई थी, उसमें तमाम बजट चला गया। प्रवक्ता नहीं है खालिद भाई, प्रवक्ता नहीं है, आम आदमी अपनी बात बोल रहा है सर। अच्छा, उसमें चला गया था, इसलिए अब उम्मीद करते हैं इस साल पूरे होंगे सारे कार्यक्रम और पैसा ठीक दिएगा। तवर साहब, देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, सरकार कर्ज लेके घी पीने का काम करे, आंकड़े भी आ गए हैं, कुल कर्जा है सरकार पे 2,43,779 करोड़, और अब जो बजट के जो अनुमान उनमें दर्शाया गया है, जो कर्जा लेने की बात सरकार ने मानी वो है 55,063 करोड़, और पिछले 7 साल में 1,70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया, ये सबसे ज्यादा है। तो ये जो कहावत है कर्ज लेके घी पीना, इस बजट में पूर्णतः चरितार्थ है। ठीक है, उपाध्याय जी। मैंने पहले भी कहा कि ये बैलेंसिंग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु अगर देखा जाए कि धरातल पर कब तक ये ठीक उतर पाएगा, कर्ज की बात उन्होंने की, मैं इसको फिर रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि दिन अगर आप इधर बढ़ा रहे हैं बजट को तो कर्ज भी बढ़ रहा है, पिछली बार 2.23 था तो इस बार 2.43 पहुंच गया, तो यह भी एक चिंता का विषय है, इसमें कोई दोहराया नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारी बात पहले हो चुकी है, और स्वास्थ्य की में अगर देखा जाए तो कहीं भी स्वास्थ्य में कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है कि इतने से काम चल जाएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाए इसके कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो इससे कोई बात नहीं है, ये बैलेंसिंग आपका बजट है। ठीक है, चौधरी साहब। देखिए कर्ज का मैंने पहले भी बताया था, ग्रोस टेस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो अपना GSTDP होता है उसका 4% से नीचे रहता है, वो फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट है, उससे नीचे है ये भी 2.98% है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके अलावा ये समावेशी बजट है, समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें कवर किया गया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, क्षेत्रवाद रहित विकास पूरे हरियाणा के अंदर। आप गुरुग्राम का उदाहरण देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की ऐसी सोच है कि हरियाणा का प्रत्येक जिला गुरुग्राम बने, प्रत्येक जिले में ऐसी ही व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, इसलिए हमने खरगोदा में मारुति बनाई है। जो विकास है वो क्लस्टर नहीं होना चाहिए, वो कभी जिले एक दो जिलों तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो पैन हरियाणा होना चाहिए, तो विकास के लिए, पैन हरियाणा विकास के लिए ही बजट बनाया गया है। बहुत संतुलित बजट है, और कृषि क्षेत्र के लिए 1600 करोड़ में इसमें प्रावधान किया, तो बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट। खालिद जी को संबोधित करते हुए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार बात कही थी कि अगर मैं ऊपर से 1 रुपया फेंकता हूं तो धरातल पे 10 पैसे पहुंचते हैं। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, ऊपर से अगर 1 रुपया आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत मैं उसके अंदर अल्टरकेशन नहीं करना चाहूंगा, पर उम्मीद ऐसी है कि जो भी बजट एलोकेट किया गया है वो धरातल तक पहुंचेगा। और इसका बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट हम और आप शायद 1 साल बाद बैठकर यहां डिस्कस कर रहे होंगे, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में जो सरकार ने स्टेप लिया है और जो रेवोल्यूशन आ सकती है वो कमेंडेबल है, वो सराहनीय है, बिल्कुल बैलेंस बजट है। और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि धरातल पे हर एक सेक्टर में अच्छा काम होगा, यही मेरा फाइनल कमेंट। ठीक है, खालिद जी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा के ऊपर एक कलंक है कि पूरे हिंदुस्तान के पिछड़े जिलों में एक जिला आता है लूट, और उस जिले के लिए आपके बजट में कुछ नहीं है, उस जिले की शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, उस जिले के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं है, उस जिले के लिए रेल के लिए कुछ नहीं है, उस जिले के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ नहीं है। आप ये कलंक बने रहना चाहते हैं, यही नीति और नियत है भाजपा सरकार की और उनके सहयोगी दल की। ठीक है खालिद भाई, इसलिए मैं कहना चाहूंगा। ठीक है खालिद जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, अपना अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का।